नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हरिद्वार की जनता को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन की ओर से एक और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल गया है, जिसमें निशुल्क तमाम चिकित्साई सेवा प्रदान की जाएंगी। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में यह हॉस्पिटल बनाया गया है। स्वामी रामप्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय के नाम से बने इस हॉस्पिटल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन पहले भी उत्तराखंड में ऐसे जनसेवा काम करता हुआ आया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और आरएसएस के सहकार्यवाहक कृष्ण गोपाल जी ने पूजा अर्चना कर इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा उत्तराखंड में ये नौवां चिकित्सालय है जो हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में बनाया गया है। इस मौके पर आपको सुनाते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये नौवां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। चार धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर नौवां ये आज यहाँ पर सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ। ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जो साधु समाज हैं, उनकी निशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। वहीं प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महंत स्वामी रूपेश प्रकाश महाराज ने बताया कि अवधूत मंडल आश्रम के प्रमुख संत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का नामकरण किया गया। अवधूत मंडल आश्रम के पूज्य महंत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम से स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय पूज्य संतों के निःशुल्क सेवार्थ प्रारंभ किया गया है, जिसका संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। हरिद्वार में निसहाय और ऐसे गरीब लोगों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा रहेगी। यहाँ पर देश भर के ऐसे विशिष्ट डॉक्टर इसकी सेवाएं देंगे और हरिद्वार के लिए सभी संतों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवा रहेगी। इसी के कार्यक्रम में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और हमारे हरिद्वार के पूज्य संत सब इसका आज शिलान्यास कर रहे हैं। 40 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 10 आईसीयू बेड है। यहाँ पर आँखों का, दांतों का, सभी प्रकार के ऑपरेशंस और चश्मे कुंभ में बिल्कुल निशुल्क वितरित किए जाएंगे। ये हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम हो सके, इसके लिए पूरा भवन चिकित्सा के लिए सेवार्थ रहेगा। 40 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें आईसीयू, ओपीडी से लेकर दांत, आंख, कान, नाक आदि तक के बेहतर इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में देश के बेहतरीन डॉक्टरों को रखा गया है, जो निःशुल्क हरिद्वार के साधु संतों के साथ यहाँ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।